अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं तारिक महमूद। फोन फॉर यू चैनल के अंदर आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद है खैरियत से होंगे आज आप सब लोग। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम लेके आए हैं रेडमी 13C का जो है अनबॉक्सिंग, और न्यू डिवाइस है, लॉन्च हुई है अभी ये फिलहाल पाकिस्तान में। आज सेकेंड डे है इसका सेलिंग का। 12 मंथ वारंटी के अंदर मिल जाती है, टैक्स रात की वारंटी के अंदर हमें ये मिल रही है। तो ये लेने से पहले आपने जो स्टीकर है ये इंपॉर्टेंट होता है, ये देख लेना है ताकि आपको नॉन एक्टिव डिवाइस मिले, क्योंकि जैसे ही ये डिवाइसेज आती हैं तो ये डिवाइसेज आने के फौरन बाद इनके ऊपर एक्टिवेशन वाला सिस्टम, वो रीपैकिंग वाला सिस्टम शुरू हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा, ये टैक्स रात का स्टीकर देख लेना। बाकी अगर बॉक्स की बात करें तो ये देख लो, यहाँ पे ये PDA का स्टीकर लगा हुआ है। और बाकी 6GB के अंदर ये डिवाइस है, इसको जो है हमने इस वाले 12C के साथ कंपेयर भी करना है कि वैसे अपग्रेडेड मॉडल है ये। ये 4GB में अवेलेबल है पाकिस्तान में, ये हमारे पास 6GB के अंदर अवेलेबल है। माइनर डिफरेंस है, ये आई थिंक 26,000 के अंदर अवेलेबल है और 33 के अंदर अवेलेबल है। और इसमें सिर्फ कैमरा और रैम का जो है वो फर्क है थोड़ा सा, क्योंकि जो रैम है इसमें वो 6GB है। और अगर कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल और जो बैक कैमरा है इसका वही है, लेकिन सिर्फ 2 मेगापिक्सल का जो है वो माइक्रो कैमरा इन्होंने ऐड किया है इसके अंदर। तो बाकी जो अनबॉक्सिंग हम करने वाले हैं वो ग्रीन कलर की अनबॉक्सिंग करेंगे हम, और 6GB के अंदर है, नॉन एक्टिव डिवाइस है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। डिवाइस हमारे सामने है, बिल्कुल नॉन एक्टिव है, और जो ये स्टीकर जिसका मैं बता रहा था ये जो है लगा होता है हमारे पास बेसिकली इस पे जो ये रैपर होता है बाहर वाला, इस पे लगा होता है। तो इस वजह से जब ये उतरेगी भी, इसका रैपर उतरेगा तो ये उतर जाएगा। तो इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या चीजें हैं। एक जो है इसका चार्जर का भी थोड़ा सा डिफरेंस है कि चार्जर जो है वो हमें 18 वॉट का मिल जाता है इसके अंदर। तो इसको अभी हम अनबॉक्स करते हैं। तो जब तक इसको मैं कर रहा हूँ तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि मजीद आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। तो ये देख लो, हमने इसको जो है वो रैपर को कट ऑफ कर दिया है। एक और चीज़ ये भी है कि आपको इससे सीक्वेंस का भी पता लग जाएगा कि क्या चीज़ हमें कौन से लेवल पर मिलती है। तो जैसे ही इसको हम ओपन कर रहे हैं तो हमें जो है सबसे पहले डिवाइस मिल रही है, और डिवाइस आप देख सकते हो ग्रीन कलर के अंदर डिवाइस है हमारे पास। ये एक रैपर है, इसके अंदर हमें मिल रही है सिंपल ये रैपर है, और आप देख लो माशाल्लाह से ग्रीन कलर जो है वो कितना प्यारा कलर है इसका, और ये कलर इसमें से निकल रहा है ये देख लें आप। और इसके अलावा जो यहाँ पे इसके एक प्रोटेक्टर लगा हुआ है, यूजेबल तो नहीं है, बस उस पर हमें जो है तो वो चीज़ें मिल जाती हैं कि क्या क्या इसमें स्पेक्स हैं और उसके रिलेटेड चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसको अभी हम बाद में देखेंगे। इसके बाद जो है वो अंदर से हमें ये एक सेपरेटर मिल रहा है जिस पर रेडमी लिखा हुआ है, इधर हमें इजेक्टर टूल मिल जाती है, और अंदर बस जो है ये हमें यूज़र मैनुअल और PTA और ये वो इस तरह के स्टिकर्स मिल जाते हैं। ऐसे तो इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। एक हमें केबल मिल रही है, केबल वाइट है बिल्कुल, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये Type-C जो है हमें, ये देख लें आपके Type-C केबल जो है हमें तो मिल रही है वाइट कलर में। चार्जर जो इसके मैंने स्पेक्स में पड़ा था वो 18 वॉट का था। ये चार्जर है इसका, लग तो नहीं रहा 18 वॉट का, लेकिन मैं इसके ऊपर पढ़ने की कोशिश करता हूं तो 10 वॉट का जो है वो चार्जर है। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो जो चार्जर हमें मिल रहा है वो 10 वॉट का चार्जर है, मुझे 18 वॉट का लग रहा था, लेकिन जो है वो 10 वॉट का इसके साथ हमें चार्जर मिल रहा है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो बॉक्स खाली है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है हमें। अब हम इसको रैपर को उतार लेते हैं और जल्दी से इसको एक्टिव करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। बाकी स्पेक्स आप इसकी देख लीजिएगा, नॉर्मल ही है, ऐसे इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है डिफरेंस। लेकिन इसका जो हम स्पीड टेस्टिंग और जो बेंचमार्किंग टेस्टिंग करेंगे ना तो उसमें बेसिकली हमें ज़्यादा पता लगेगा बेहतर कि कौन सी डिवाइस ये लेने के काबिल है या नहीं है, या वही मतलब पुराने 12C पे आपको रहना चाहिए, क्योंकि प्रोसेसर और CPU वगैरह जो है वो सब चीज़ें इसकी सेम है।
तो मैं इसको बस एक्टिव करता हूँ और फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो जी सेटअप हमारा आप देख सकते हो गया है, क्लियरली आप देख लो ऑन हो गई है डिवाइस। अगर मैं फर्स्ट लुक की बात करूँ तो कोई इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे नहीं लग रहा। और बाकी इसकी ब्राइटनेस मैं फुल कर लेता हूँ, तो ये देख लो आपके, ये इसकी ब्राइटनेस है, ये फुल ब्राइटनेस के साथ इसका डिस्प्ले आप चेक कर लो। बाकी ग्रीन कलर है, बाकी इसकी फर्दर टेस्टिंग तो अभी जब मैंने वो करनी है तो फिर बताऊंगा, लेकिन ओवरऑल कलर मुझे यूनिक लग रहा है। अगर मैं कलर की बात करूँ तो ग्रीन कलर है और डिज़ाइन बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। 50 मेगापिक्सल बैक कैमरा है, लेकिन वो जब कैमरा की टेस्टिंग हम करेंगे तो फिर ही पता लगेगा कि अपने लेवल के डिवाइसेस को ये मीट करेगा या नहीं करेगा। तो जी ये थी हमारी अनबॉक्सिंग की वीडियो, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को बस आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन पे क्लिक कर देना है ताकि मज़ीद आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। और अभी स्टे ट्यून रहिएगा क्योंकि इसका आगे जो है हमने स्पीड टेस्टिंग और बेंचमार्क टेस्टिंग भी करनी है। सो मिलते हैं जैसी अगली वीडियो में, उस टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।